हुई 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 हुई। जब पंछियों को खुले आसमान में इस तरह उड़ते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि काश मैं भी एक पंछी होता। बस इतनी सी बात, ये लो मेरा पंखु टैबलेट, इसे खाते ही तुम्हारे पंख निकल आएंगे, फिर तुम पंछियों की तरह उड़ सकोगे और उनकी जुबान भी बोल सकोगे। लो जी लो। जाजू, आपके तो सच में पंख निकल आए। ओ, मैं उड़ सकता हूँ। ओए बुले बुले बुले। ओए पंछियों, अब मैं तुमसे कम नहीं हूँ। ओए पतीजे, ओए मैं चला खुले आसमान में उड़ान भरने। ओए, क्या तुम तीनों को लगता है कि सबसे तेज तुम उड़ सकते हो? पर मुझसे तेज नहीं उड़ पाओगे। हिम्मत है तो मुझसे रेस लगाओ। अच्छा, जो भी उस आम के पेड़ तक पहले पहुंचेगा वो जीतेगा, ठीक है? ओए, ओए, एक्सक्यूज मी कबूतर भाई साहब, ओए आप भूल गए, आपको ये चिट्ठियां सही पते पर पहुंचानी है। ओए वाह, बल्ले बल्ले बल्ले, ओए मैं जीत गया, और मैं इस पंछियों से तेज उड़ सकता हूँ। इनको क्या हो गया? ओए खोजी सिंह जी, ओए मैंने तो सोचा था कि पंछी बनकर खुले आसमान में उड़ूंगा, पर यहाँ तो पंछी मेरी जान के पीछे पड़ गए। मुझे नहीं बनना कोई पंछी वंछी, मुझे वापस इंसान बना दो जी प्लीज। ओ पलवन, मैंने अभी सिर्फ पंख लगाने वाला टैबलेट बनाया है, इसका एंटीडोट तो मैंने अभी तक बनाया ही नहीं। अभी लैब जाकर बनाता हूँ, पर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। चाचू आप कहाँ हो? हमें आपकी मदद की जरूरत है। जोगावर फंटूश नगर बैंक से पैसे चुरा कर भागा है। मैं बंदूक निजी के साथ शहर के दूसरे कोने में हूँ। यहाँ से बैंक तक पहुँचने में हमें वक्त लगेगा, पर आप उड़कर उस तक तुरंत पहुँच सकते हो। ओए हाँ, वो सब तो ठीक है भतीजे, पर मैं ना उड़ते उड़ते बहुत दूर तक निकल आया हूँ, और ऊपर से ना सारी इमारतें एक जैसी नजर आती है। मैं फंटूश नगर बैंक को पहचानूंगा कैसे? चाचू ध्यान से देखो, ऊपर से जो सबसे ऊंची पीले रंग की इमारत नजर आ रही हो वो वॉच टावर है, और वॉच टावर के लेफ्ट में जो तीसरी इमारत है वही फंटूश नगर बैंक है। वो रहा वॉच टावर, और वो रहा फंटूश नगर बैंक, और वो भाग रहा है जोगावर। जोगावर, तू मेरे पंख से बच नहीं सकता। क्राइम का पावर, क्राइम मास्टर जोगावर। रोजी, आगे दीवार पर से कूद जाओ, फिर हम शहर से बाहर। ठीक है जोगावर। ये क्या हो रहा है? मैं अचानक जमीन से आसमान में कैसे आ गया? जोगावर, तुम कहाँ जा रहे हो? बचाओ! जोगावर, ओ जरा उड़ने का मजा तो लो। ओए सबको ये मौका नहीं मिलता। ये बचाओ, बचाओ! अरे वो देखो, चाचा उड़ रहे हैं। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। ओए ठीक है ठीक है, अगर तुम कहते हो तो छोड़ देता हूँ। लो जाओ। बच गए। आसमान से गिरा, खजूर पे अटका। इब खा मेरा फटका। मोलू, क्या तुमने वही देखा जो मैंने देखा? हाँ गोलू, चलो अब पोलू दादा को दिखाते हैं।
मैंने अपने पिछले 25 साल में बहुत जानवर और पंछी पकड़े हैं, पर पहली बार एक पंखों वाला इंसान देख रहा हूँ। बॉस, अगर आप इसे पकड़ लोगे तो ये आपका आज तक का सबसे बड़ा शिकार होगा। रातों रात माला माल हो जाओगे। मेरा पोल और गद्दा लेकर आओ, हम अभी इस पंखों वाले विंगमैन को पकड़ने चलेंगे। अगर तुम दोनों तैयार हो तो एक ट्रायल राउंड हो जाए। चलो, हमारा ट्रायल तो बहुत अच्छा रहा, अब उस विंगमैन को पकड़ते हैं। उस्ताद, वो रहा विंगमैन। पहली बार लाइफ में पहली बार मेरा निशाना चूका है। ओए, ये कौन है? ये मुझे क्यों पकड़ना चाहता है? ओए पति जय बचा! ये आदमी चाचू को पकड़ना चाहता है, हमें इसे रोकना होगा। ये कौन आ गया पोलू दादा के काम में रुकावट डालने? खैर कोई बात नहीं, अभी इन्हें ठिकाने लगाता हूँ। ओ बावड़ी पूछ, भैंस की पूछ, अब पुलिस से पंगा, अभी बताती हूँ। पोलू दादा को रोकने के लिए इसके चमचों से निपटना होगा। अरे मैं चल नहीं पा रहा। इतना सा काम ठीक से नहीं कर सकते। इस गद्दे को लोहे के गद्दे से बदल देता हूँ, पोलू दादा को दिन में तारे नजर आएंगे। ये गद्दा अचानक से भारी क्यों लग रहा है? बहाने बनाना बंद करो और गद्दे को ठीक से पकड़ो, वरना फिर से उस्ताद की मार खानी पड़ेगी। इस बार ये विंगमैन मुझसे बच के नहीं जा सकता। ओए पति जय, ओए बचा ले। ओ पोलू दादा, तेरा खेल खत्म। इतनी जल्दी नहीं। अरे उस्ताद, ये क्या कर दिया? ओए भतीजे, मेरे पंख नहीं खुल रहे और मैं उड़ नहीं पा रहा। बहादुर अंकल जल्दी चलाओ, चाचू मुसीबत में है। बहादुर अंकल ब्रेक लगाइए। यो भतीजा क्या कर रहा है? ओए सच में? ओए भतीजे के रहते चाचा को कुछ नहीं हो सकता। चाचू, अब उस पोलू दादा को जरा आसमान की सैर करवाते हैं। ओए तुझे हवा में उछलने का बड़ा शौक है ना? ये ले, अब हम तुझे हवा में उछालते हैं। मोलू मोलू, जल्दी से गद्दा लेकर नीचे आओ। अरे क्या कर रहे हो? उस्ताद क्या करे, आप ही ने तो हमारी बेल्ट निकाल ली है। गद्दा संभाले या पतलून? छोड़ो मुझे। ओए अगर तुम कहते हो तो छोड़ देता हूँ। हेलो भतीजे, चाचा को लैब लेकर आ जा, एंटीडोट तैयार है।
ओए चल भतीजे एंटीडोट लेने। ओए जिसके पास तेरे जैसा भतीजा हो, जिसका दिमाग इतना ऊंचा उड़ता हो, उस चाचा को उड़ने की क्या जरूरत। खोजी अंकल, लगता है मछलियों को फुटबॉल्स बहुत पसंद आए। आएंगे क्यों नहीं, मैंने खास उन्हीं के लिए तो ये बनाए हैं। ओए उस तरफ भी कुछ मछलियां हैं, मैं वहां जाके उनको खिलाता हूँ। ओए वाह वाह, चना गरम गरम है। ओए होए, ओए मैंने तो मछली का खाना खा लिया। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ पैर कहाँ चले गए? ओए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पानी के बिना नहीं रह सकता। अब जाकर जान में जान आई। ये क्या? इतनी बड़ी मछली। ओए खोजी, ओए ये क्या हो गया मुझे? खोजी अंकल, मछली नहीं ये चाचू है, पर इनको हुआ क्या है? ओफो बलवान, कहीं तुमने मछलियों के फूड बॉल्स तो नहीं खा लिए? वो मैंने इसलिए बनाए थे ताकि छोटी मछली उन्हें खाकर ताकतवर बने। तुमने उन्हें खाया तो अब उससे कुछ रिएक्शन हो गया, इसलिए अब तुम इंसान से मछली बन गए हो। मैं अभी लैब जाकर एक एंटीडोट बनाता हूँ। पर भतीजे, तुम्हें बलवंत को लेकर जल्दी ही लैब तक पहुंचना होगा। अगर बलवंत ने अगले 2 घंटे के अंदर वो एंटीडोट नहीं लिया तो उसके बाद बलवंत को जिंदगी भर मछली बनकर ही रहना होगा। चिज्जे, चाचा भतीजे के रहते हम पंटूश नगर में एक भी चोरी नहीं कर सकते। अगर हम चाचा को अगले 2 घंटे तक लैब पहुँच नहीं ना दे तो वह जिंदगी भर मछली बना रहेगा और भतीजा तो चाचा में ही लगा रहेगा और फिर हमें चोरी करने से कोई नहीं रोक सकता। ओए भतीजे, ओए मैं जिंदगी भर मछली बन के नहीं रहना चाहता। चाचू, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। हेलो बंदूकनी जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। चाचू मछली बन गए हैं। आप जल्दी से एक बड़ी सी पानी की टंकी लेकर नदी के किनारे आ जाइए। मैडम जी, चाचा तो पकड़ में नहीं आ रहे हैं, पूंछ से मार रहे हैं वो अलग। रे चाचे, सीधे बाहर आ वरना जिंदगी भर मछली बना रहेगा। ओए ओए, मैं कोई जानबूझकर थोड़ी फिसल रहा हूँ। ओए सॉरी बहादुर जी, मैं पहली बार मछली बना हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा एडजस्ट होने में। बंदूकनी जी, ऐसे बात नहीं बनेगी। हमें क्रेन वैन बुलानी होगी जो चाचू को नदी से उठाकर पानी की टंकी में डाल सकती है। ओ हेलो क्रेन वैन कंपनी, ओ हेलो। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा ढोलकी। ओ क्रेन को पीछे लाओ नदी की तरफ। बहुत अच्छे, इब चाचे को उस पानी की टंकी में डाल दो। ओए भतीजे, ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैं पानी के बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे बचा ले भतीजे, इसको रोक। ओए भतीजे, ओए भतीजे कुछ कर। ओ मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पानी, पानी। मुझे चाचू को जल्द से जल्द पानी में डालना होगा। और चीज चाहिए? हाँ? ये लो और लो।
ओए पतीजे, ओए ये क्या कर रहा है? ओए मुझे चूहों से बहुत डर लगता है यार। ओ नहीं नहीं। आखिरकार पानी मिल ही गया। ओए पतीजे, ओए तेरी सोच का कोई जवाब नहीं। चुच्चे, ये प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ? मेरे पास एक और प्लान है। बहादुर अंकल, जीप तेज चलाइए, हमें जल्द ही खोजी अंकल की लैब पहुंचना है। अब देखना, जोर का झटका जोर से ही लगेगा। ये अचानक से स्पीड ब्रेकर कहाँ से आ गया? ओए भतीजे, मुझे बचा ले। ओए मैं कहाँ बच गया? हम आ रहे हैं चाचू। चाचा, तेरी हालत तो ऐसी हो गई जैसे जल में मछली। ओए मैं पानी के बगैर कैसे रहूंगा? चाचू के लिए पानी की टंकी का बंदोबस्त हो गया। चाचू जंप! पानी पतीजे के रहते चाचा को कुछ नहीं हो सकता। बंदूकनी जी, डंका और ढोलकी चाचू को फिर से ले गए। बहादुर, जीप घुमा। क्या हुआ इंस्पेक्टर बंदूक ने? अब आपके लात में वो बात नहीं। इब मैं तन्ने नहीं छोड़ूंगी, डग्गा और ढोलकी। ओए भतीजे कुछ कर। बहादुर अंकल ब्रेक लगाइए। भतीजे, तुम आ तो गए लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाय बाय। ढोलकी, मैंने ट्रांसमीटर लगा दिया है, अब वो जो भी प्लान करेंगे हमें पता चल जाएगा। ओ, ट्रांसमीटर। तुम लोगों को लैब पहुंचने में देरी हो रही थी तो मैं खुद ही एंटीडोट लेकर तुम्हारे पास आ गया। बलवंत कहाँ है? अब एंटीडोट हाथ आया तो चाचा हाथ से निकल गए। कुछ ही देर में चाचा हमेशा के लिए मछली चाचा बन जाएगा। हाँ? क्या कहा खोजी अंकल? अगर हम इस नए एंटीडोट को कुएं में डालकर चाचू को उसके अंदर छोड़ दें, तो चाचू के स्केल्स में से मोती निकलेंगे। चिच्चे, मोती? मोती? काश चाचू हमारे पास होते तो हमें इतने मोती मिलते जो हम फंटूश नगर के विकास में लगा देते, पर क्या करें? क्या तुमने सुना ढोलकी? हाँ जिज्जे, हमें वो एंटीडोट किसी भी तरह लेना होगा। अब हमें मोती मिलेंगे, अनगिनत मोती। मजा आ गया। बंदूकनी की जीप आ गई, भागो। आखिर मैं मछली से इंसान बन गया। बंदूकनी जी, प्लान काम कर गया। चाचू, चाचू आप कहाँ हो? चाचू, चाचू, चाचू आप ठीक तो हैं? ओए भतीजे, मैं ठीक हो गया। ओए मुझे बाहर निकाल। अभी नहीं चाचू, अभी डंका और ढोलकी को मजा जो चखाना बाकी है। चाचू, मेरे पास एक प्लान है। बंदूकनी जी, चाचू यहाँ नहीं है। चाचू आप कहाँ हैं?
बंदूक नहीं तो गई। चलो चलकर देखते हैं चाचा ने कितने मोती दिए। मैं कुएं के अंदर जाऊंगा, चाचा से मोती लाऊंगा, फिर तो मुझे बाहर खींच लेना। ये मछली चाचा से शार्क चाचा कैसे बन गया? ढोलकी मुझे ऊपर खींच जल्दी। चिंचे मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। बच गए, मेरी तो जान ही निकल गई थी। यहाँ भी शार्क। जमीन पर चलने वाली शार्क, ये क्या हो रहा है? भागो। के कह रहा था तू? मारी लात में इब वो बात नहीं है, इब देख। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा।